एहतसाब अदालत में अहद चीमा केस की समाअत हुई। नैब तफ्तीशी की सरजनिश भी की गई। ये कोई काम नहीं जो आप कर रहे हैं, जिस ग्रेड की तनख्वाह लेते हैं उसका काम भी करें। अदालत के रिमार्क्स, इसी पर बात कर लेते हैं मोहम्मद सकलैन जावेद से। सकलैन जावेद, बताइएगा अदालत की जानिब से मजीद क्या रिमार्क्स सामने आए हैं। जी, एहतसाब अदालत के जज नजमुल हसन ने आशियाना इकबाल स्कैंडल केस की समाअत की, जिसमें मुलजमान अहद चीमा, शाहिद शफीक, इसरार सईद, बिलाल को दुबई, आरिफ बटवरा को पेश किया गया। अदालत की तरफ से जब पूछा गया कि शाहिद शफीक की दरख्वास्त पर नैब तफ्तीशी ने जवाब जमा करवाया है, तो उस हवाले से वो अदालत को मुतमिन ना कर सके, जिस पर अदालत ने सख्त सरजनश करते हुए करार दिया कि आप जितने ग्रेड की तनख्वाह ले रहे हैं उतना काम भी करें। अगर आइंदा इस तरह काम किया और मुकम्मल काम करके पेश ना हो गए तो आपको जुर्माना भी किया जाएगा, जो डैम फंड में जमा करवाया जाएगा। अदालत ने आइंदा 30 मार्च पर हर सूरत जवाब पेश करने का हुक्म दिया। इस हवाले से मुलजमान की सिक्योरिटी के हवाले से जब अदालत को आगाह किया गया तो अदालत ने कहा कि फिर आपको एक ब्रिगेड मंगवा देते हैं जो इन मुलजमान की हिफाजत करे। ये सिक्योरिटी का काम अदालत का नहीं, आपका है। दौरान समाअत अदालत ने तारिक मजीद, इसरार सईद, मोहम्मद काशिफ और अकबर अली के 164 के बयान की कॉपियां भी मुलजमान को देने की हिदायत की। अदालत ने आईओ को कहा कि बहुत शुक्रिया आपका मोहम्मद सकलैन जावेद।